रेलवे की विंडो रिजर्वेशन के लिए अब आपको लंबी लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खंडवा के केवलराम पर स्थित सकलेचा स्टेशनरी के सामने खंडवा रेलवे रिजर्वेशन सेंटर खुला है। यहां पर आकर आप विंडो रिजर्वेशन की सेवाएं ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मौके पर जाकर दुकान पर जाकर टिकट भी बनवा सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा के पद्मनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ट्रैक्टर कंपनी के बोर्ड पर हिंदू समाज की महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्द लिखे जाने पर हिंदू समुदाय हिंदू जागरण मंच द्वारा कल पद्मनगर थाने का घेराव किया गया था। इस मामले में पद्मनगर थाने में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले में पद्मनगर थाने की टीम ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और आपको बता दें ये थोड़ा साइको या यूं कहें कि अपने जीवन से फ्रस्ट्रेटेड है। उम्र इसकी 35 से 40 साल के बीच में है और इसकी शादी नहीं हो रही। इस बात से ये इतना नाराज था और फ्रस्ट्रेटेड था कि इसने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया और पुलिस ने रात भर मेहनत करके इस शख्स को ढूंढा। आपको बता दें आसपास एक पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हुए थे, उसके बावजूद भी इस मामले को खंडवा एसपी विवेक सिंह ने गंभीरता से लेते हुए सीएसपी ललित गठरे को निर्देश दिए कि इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए, जिसके बाद पुलिस की टीम ने रात भर मेहनत की। पद्मनगर थाने की पूरी टीम ने, थाना प्रभारी श्री पाटिल ने अपनी टीम के साथ रात भर मेहनत करके सीएसपी साहब के निर्देशन में इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आइए इसने क्या वजह बताई कि इसने ऐसा उल्टा सीधा क्यों लिखा, सुनवाते हैं इसकी पूरी बात। तेरी फोटो वायरल हो गया यार, भैया एक रात को क्यों करा तूने काम? सर मेरे को कोई भी समझता नहीं, मेरी शादी ब्याह नहीं कोई कर रहा। शादी ब्याह नहीं हो रही इसलिए नाराज है? हाँ। महिलाओं से? हाँ। इसलिए क्या? कि कल पद्मनगर में एक आपत्तिजनक शब्दों का मामला आया था सामने, उसमें क्या कार्रवाई की गई है, किसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और जिसे पकड़ा गया है उसका कारण क्या निकल के आ रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया? जी कल थाना पद्मनगर में शिकायत प्राप्त हुई थी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसा जो बालाजी ट्रैक्टर्स का जो बोर्ड है थाना पद्मनगर के सामने, उस पर हिंदू धर्म की महिला के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जिस पर थाना पद्मनगर पे सेक्शन 295A IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इस पर थाना पद्मनगर की टीम ने तत्परता से कार्रवाई की और एक संदेही जिसका नाम सतीश दशौरे है, वो इंदौर नाका का ही निवासी है, 38 साल करीब उसकी उम्र है और मजदूरी का काम करता है, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया और पूछताछ करने पर उसने अपने जुर्म को स्वीकारा और इस तरीके से वो बोर्ड में अन्य जगह भी उसने कोयले के से बोर्ड में इस टाइप के आपत्तिजनक शब्द लिखे हुए थे।